बच्चों, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.7। टॉपिक का नाम है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। एक्सरसाइज बहुत ही इजी है। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है। तो देखिएगा, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, आपको एक फंक्शन दिया गया है। इस केस में ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, हम इसका आम तौर पर एक बार जब डेरिवेटिव करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल डी वाई बाय डी एक्स से। और अगर आप इसका सिंपली डेरिवेटिव कर दें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x और 3x का डेरिवेटिव है 3 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो डी वाई बाय डी एक्स हो गया 2x प्लस 3। ये 2x प्लस 3 क्या रिप्रेजेंट करता था, ये हमने बेसिक डिफरेंशियबिलिटी के वीडियो में सीखा है। ये 2x प्लस 3 रिप्रेजेंट करता है इस कर्व पे बनने वाले टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, ये तो हमको पता है। एक बार यहाँ पे हम बना देते हैं वैसे भी। तो सपोज कोई फंक्शन है, उसका कर्व ये है और ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस और जो आपका कर्व है उस कर्व पे किसी भी पॉइंट पर जब टेंजेंट बनाया जाएगा तो जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, वो रिप्रेजेंट करता है डी वाई बाय डी एक्स। तो इतना तो हम सिंगल डेरिवेटिव के बारे में जानते हैं। अब डबल डेरिवेटिव का मतलब है दिए गए फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है उसका दोबारा से डिफ्रेंसिएशन कर देना, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल डी टू वाई बाय डी एक्स टू। इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे कहते हैं डबल डेरिवेटिव। और शॉर्ट में लिखना चाहते हैं क्योंकि लिखने में अगर आपको बार बार लिखना पड़ रहा है, आपको ज़्यादा समस्या आ रही है बार बार लिखने में, तो वाई के ऊपर डबल डैश लगा सकते हैं, तो ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका दोबारा डेरिवेटिव, तो 2x का 2 हो जाएगा और 3 का 0। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है डबल डेरिवेटिव ग्राफिकली, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ये आगे भी काम आएगा हमारी मैक्सिमा मिनिमा की एक्सरसाइज में, चैप्टर 6 में। डबल डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है किसी भी कर्व का कर्वेचर। क्या मतलब है, सिंपल भाषा में समझा देते हैं। अगर डबल डेरिवेटिव जो आया आपका पॉजिटिव, तो इसका मतलब है आपके कर्व का कर्वेचर ऐसा है, डाउनवर्ड्स है, या कहेंगे कनकेव अपवर्ड है या कन्वेक्स डाउनवर्ड्स है। अगर डबल डेरिवेटिव आया पॉजिटिव तो आपके कर्व का जो कर्वेचर है, जो घुमाव है, वो कनकेव अपवर्ड्स है यानी ऊपर कैविटी है या फिर कन्वेक्स डाउनवर्ड्स है। ठीक है, और अगर जो आता आपके कर्व का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, डबल डेरिवेटिव अगर आता नेगेटिव, डबल डेरिवेटिव या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक ही चीज़ है, तो इसका मतलब होता आपके कर्व का जो कर्वेचर है वो ऐसा है, नीचे से कनकेव यानी कनकेव डाउनवर्ड्स या फिर कन्वेक्स अपवर्ड्स, ऊपर की साइड में कन्वेक्स है। ठीक है बेटा, तो डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आया तो आपके कर्व में ऐसा घुमाव है, और अगर पॉजिटिव आया तो आपके कर्व में ऐसा घुमाव है। तो कर्व के बारे में आपको डबल डेरिवेटिव और जानकारी देता है ना। बिना कर्व बनाए आप बता सकते हैं उसमें घुमाव किस तरफ है, और इससे फंक्शन की स्टडी और ज़्यादा आसान हो जाती है। तो यही पर्पस है डबल डेरिवेटिव पढ़ने का। तो फाइंड आउट करना तो काफ़ी आसान है, अगर आप एक बार किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं तो दूसरी बार डिफरेंशिएशन करने में कोई समस्या होती नहीं, पर उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझना आवश्यक है क्योंकि कैलकुलस स्टडी ही ग्राफ्स की है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो थक जाएँ तो पॉज करके फिर देखें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्स रेज टू पावर 20, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे एक पावर कम यानी 20x19, और फिर अगला डेरिवेटिव क्या होगा, अगला डेरिवेटिव यानी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। तो करना ये है कि अब ये x19 का डेरिवेटिव करना है, 19 आगे और x की पावर 18, तो होगा 20 × 19 एक्स की पावर 18। कुछ भी नया नहीं है, जस्ट इस फंक्शन का दोबारा से डेरिवेशन कर देना है।
तो आंसर आया 380 एक्स रेस्ट पावर 18। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव करना है। तो सिंपल, आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, मैं ज़्यादा खींचूंगा नहीं, बातों को सिंपल ही रखूंगा। कॉस एक्स ऐसे का ऐसा, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आया सिर्फ कॉस एक्स, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1, ठीक है। और फिर प्लस एक्स ऐसे का ऐसा, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन। तो जब एक्स इंटू माइनस साइन किया जाएगा तो आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स, इसीलिए आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पर कि कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो कैसे होगा, देखिए इस कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन, और ये जो एक्स साइन एक्स है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स ऐसे का ऐसा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, फिर प्लस साइन ऐसे का ऐसा, और एक्स का डेरिवेटिव 1। आगे बात समझ में। अब आपके पास माइनस साइन और यहाँ नेगेटिव साइन है, तो माइनस साइन हो जाएगा माइनस टू साइन, माइनस साइन हो जाएगा माइनस टू साइन, मैं शॉर्ट में साइन को ऐसे लिख रहा हूँ। और माइनस एक्स कॉस भी है, उसको भी लिख देते हैं माइनस एक्स कॉस। इतना समझ आ गया, यहाँ पर एक्स भी होना चाहिए, ठीक है। और अब इनमें नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, टू साइन प्लस एक्स कॉस। ये देखिए क्लियर हो गया, तो कुछ भी नया नहीं है, प्रोडक्ट रूल वही है, क्वेश्चन रूल वही है, सब कुछ सेम है, आपको ध्यान से डेरिवेट करना है। नेक्स्ट कहते हैं वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेट कीजिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर तो 1/x होता है, और सेकेंड ऑर्डर जब आप करेंगे d2y/dx2, तो 1/x का डेरिवेटिव होगा -1/x2। सिंपल सा फार्मूला, 1/x का डेरिवेटिव -1/x2। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स क्यूब लॉग एक्स का डेरिवेटिव कीजिए। तो जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, लॉग एक्स ऐसे का ऐसा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव जो कि होगा 3x2, देख सकते हैं आप, प्लस एक्स क्यूब ऐसे का ऐसे, एक्स क्यूब ऐसे का ऐसे, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं ध्यान रखिए, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/x, तो एक्स क्यूब बाई एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, यानी कि ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, इसमें भी कॉमन है, दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आपके पास आया 1+3 log x, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर कॉमन जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 3 log x। तो ये तो हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव में भी कुछ नया नहीं होने वाला है, d2y/dx2, फर्स्ट फंक्शन 1+3 log x एज इट इज, देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डायरेक्ट मैंने लिख दिया 2x, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, सही है। और 1+3 log x का डेरिवेटिव, 1+3 log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, 3 ऐसे का ऐसा, log x का 1/x, तो 3/x हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई होगा, 3/x। तो ये आप देख सकते हैं, समझ आ गया। अब यहाँ x से x एक कैंसिल हो जाएगा, और जब एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ पर है 3×2=6x log x, ठीक है। और यहाँ पर 1×2x 2x, सो 1×2x 2x, 3×2=6x log x, और यहाँ पर 3x, 3x प्लस 2x हो जाएगा 5x, प्लस 6x log x, दोनों में x कॉमन ले लीजिए, 5+6 log x, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो फंक्शंस हैं, तो सिंपल प्रोडक्ट रूल कहता है साइन 5x एज इट इज, ex का डेरिवेटिव ex, तो साइन 5x एज इट इज, ex का डेरिवेटिव ex, फिर ex एज इट इज और साइन 5x का डेरिवेटिव। अब साइन 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले साइन का हो जाएगा cos 5x, साइन 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले साइन का हो जाएगा cos 5x, और एक बार आपने साइन का डेरिवेटिव कर दिया तो फिर नेक्स्ट आया 5x का डेरिवेटिव, और 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा 5, ठीक है। तो आपका आंसर आया cos 5x into 5, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं cos 5x into 5, ठीक है, ex into cos 5x into 5। अब इन दोनों में ex कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा sin 5x plus cos 5x into 5। तो यहाँ तक तो हो गया फर्स्ट
डेरिवेटिव आ गया आपका, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव। तो फिर से क्योंकि ये दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये, दो फंक्शन हैं, तो पहला फंक्शन एज इट इज यानी कि साइन 5x प्लस कॉस 5x ऐसे का ऐसा, और ये x का डेरिवेटिव, ये x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटे, ex ही हो जाएगा, है ना, प्लस ex ऐसे का ऐसा, और अब की बार साइन 5x प्लस 5 कॉस 5x का डेरिवेटिव, साइन 5x प्लस 4 5 कॉस 5x का डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखिएगा ex का डेरिवेटिव तो ex ही हो गया, इसमें तो कुछ नहीं है, फिर ये ex एज इट इज, और इसको कर रहे हैं हम बड़ी सावधानी से, कुछ भी गलत नहीं करेंगे। साइन 5x का डेरिवेटिव cos 5x इंटू 5, पहले भी देख चुके हैं cos 5x इंटू 5, ठीक है, फिर ये 5 ऐसे का ऐसा, cos 5x का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो cos 5x का डेरिवेटिव माइनस साइन 5x इंटू 5x का डेरिवेटिव जो कि आप डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 cos 5x, देख लेते हैं 5 cos 5x, और यहाँ पर माइनस 5 और ये 5 भी, माइनस 5 एज 25, माइनस 25 साइन 5x, माइनस 25 साइन 5x, और शुरू में है ई एक्स साइन 5x प्लस cos 5x, ई एक्स साइन 5x प्लस 5 cos 5x, करेक्ट है। और फाइनल कैलकुलेशंस, तो दोनों में ई एक्स कॉमन ले लीजिए, इसमें भी और इसमें भी, तो आप देखिए cos 5x में कितना बनता है, तो cos 5x में ये 5 तो हो ही गया, 5 cos 5x, और ये 5 और हो गया, तो 5 प्लस 5 10 cos 5x हो गया, और sin 5x में कितना बनता है देखते हैं, ये 1 sin 5x हो गया, ये माइनस 25 sin 5x हो गया, तो माइनस 24 sin 5x हो गया, और दोनों में ex तो कॉमन है ही, अभी अंदर 2 और कॉमन ले सकते हैं, तो 2 भी अंदर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 5 और यहाँ पर 12, ये आपका फाइनल आंसर है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो अभी जो मैंने बेसिक कंसेप्ट समझाया था उसमें मैंने कहा था अगर ये x आता है तो, अगर ये नेगेटिव आता है तो कैसा उसका कर्वेचर है, है ना, नेगेटिव आता है तो कैसा कर्वेचर है ऐसा, पॉजिटिव आता है तो कैसा कर्वेचर है ऐसा, ठीक है। पर अभी यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव का पता कैसे चलेगा, जब वो x की वैल्यूज दी होंगी तभी पता चलेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल पे पकड़ है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। cos 3x ऐसे का ऐसा, e रेस टू पावर 6x का डेरिवेटिव, e रेस टू पावर 6x इंटू 6x का डेरिवेटिव 6, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं cos 3x इंटू e की पावर 6x इंटू 6x का डेरिवेटिव 6 जो कि ये रहा, ठीक है। फिर प्लस अब e 6x ऐसे का ऐसा और cos 3x का डेरिवेटिव, cos 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 3x, और फिर 3x का डेरिवेटिव 3 तो होगा माइनस 3 साइन 3x, तो आप देख सकते हैं फाइनली आएगा माइनस 3 ई 6x साइन 3x, सब मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, माइनस 3 ई 6x साइन 3x। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब इसका एक और बार डेरिवेटिव करना है, कैसे लिखेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस पहले वाले का डेरिवेटिव, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट, फिर डेरिवेटिव ई 6x इंटू कॉस 3x का वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये करना है अभी, फिर इसका डेरिवेटिव करना है हमको, तो माइनस 3 बाहर निकाल लिया, कॉन्स्टेंट है, और ई 6x साइन 3x का डेरिवेटिव हमको करना है, ठीक है जी, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे प्रोडक्ट रूल से, ठीक है, देखिए cos 3x एज इट इज, ई 6x का डेरिवेटिव ई 6x इंटू 6, परफेक्ट, प्लस ई 6x एज इट इज, अभी बताएंगे नेगेटिव कहाँ से आया, ई 6x एज इट इज, और cos 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x इंटू 3, अगेन नेगेटिव, माइनस साइन 3x इंटू 3, सो साइन 3x इंटू 3 नेगेटिव का, क्लियर, इसका डेरिवेटिव हो गया। अब आते हैं इसके ऊपर, तो माइनस 3 ये लिखा, साइन 3x एज इट इज, ई 6x का डेरिवेटिव ई 6x इंटू 6 लिख सकते हैं,
डायरेक्टली लिख सकते थे, इस स्टेप की जरूरत नहीं थी, ठीक है, फिर भी ठीक है, ए सिक्स एक्स इंटू सिक्स। अब आगे ए सिक्स एक्स एज इट इज और साइन थ्री एक्स का डेरिवेटिव, साइन का होता है कॉस, कॉस थ्री एक्स इंटू थ्री, डायरेक्टली लिख सकते थे कॉस थ्री एक्स इंटू थ्री। समझ गए, समझ आ गया स्टेप, ये समझ आ गया तो सब कुछ ईजी हो गया। सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स, सिक्स थ्री जा एटीन, माइनस थ्री इंटू दिस थिंग, ओके, और यहाँ पर सिक्स भी था, ओके, माइनस थ्री सिक्स था माइनस एटीन, और माइनस थ्री इंटू थ्री माइनस नाइन, ये सिक्स एक्स कॉस थ्री एक्स। अब हम काउंट कर लेंगे कॉस थ्री एक्स वाले कितने हैं, तो थर्टी सिक्स तो ये हो गए, माइनस नाइन, थर्टी सिक्स माइनस नाइन इज ट्वेंटी सेवन, और साइन थ्री एक्स वाले देख लेते हैं, माइनस एटीन ये हैं और माइनस एटीन ये हैं, तो हो जाएंगे माइनस थर्टी सिक्स। और अब इनमें क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, ई सिक्स एक्स तो ले ही सकते हैं, और ट्वेंटी सेवन नाइन के टेबल में आता है, नाइन थ्री जर ट्वेंटी सेवन, नाइन फोर जर थर्टी सिक्स, तो नाइन कॉमन लेंगे, यहाँ पे थ्री रहेगा, यहाँ पर फोर रहेगा, एकदम बेसिक लेवल की कैलकुलेशन है बस। हाँ ये है कि बच्चे प्रोडक्ट रूल लगाना अच्छे से जानते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो हम सभी जानते हैं टेन इनवर्स एक्स का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव करना है तो वो हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें तो कुछ नहीं है, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब सेकंड डेरिवेटिव करना है, तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए आप जानते होंगे कि वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अगर वन ने अपॉन में एक्स की जगह कोई फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, कोई भी फंक्शन हो अपॉन में, वन अपॉन फंक्शन, तो उसका डेरिवेटिव ऊपर से हम बना सकते हैं, इसी से हम बना सकते हैं, वो होगा माइनस वन अपॉन फंक्शन स्क्वायर, क्योंकि वहां एक्स स्क्वायर है ना, तो फंक्शन स्क्वायर, और फिर इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं वन अपॉन साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वैसे तो हम जानते हैं कि उसको कॉसिकेंट में बदल के किया जा सकता है, पर वन अपॉन साइन एक्स का होगा माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव, जो कि हो जाएगा कॉस। वन अपॉन लॉग एक्स का क्या होगा, वन माइनस वन अपॉन लॉग एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स। तो ये हमने लिखा है कि वन अपॉन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस वन अपॉन फंक्शन स्क्वायर इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो वन अपॉन ये फंक्शन का क्या होगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन फंक्शन का स्क्वायर, फंक्शन है वन प्लस एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन क्या है वन प्लस एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव, तो वन का डेरिवेटिव होगा जीरो और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा टू एक्स, तो फाइनली आ जाएगा माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। आई होप समझ आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉग ऑफ लॉग एक्स के डबल डेरिवेटिव निकालने, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन फंक्शन, यानी वन अपॉन लॉग एक्स है ना, वन अपॉन लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव, वन अपॉन लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा वन अपॉन एक्स, तो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वन अपॉन एक्स लॉग एक्स। बात समझ में आई, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया वन अपॉन एक्स लॉग एक्स, तो फर्स्ट डेरिवेटिव है वन अपॉन एक्स लॉग एक्स, जिसको यहां पर एक्स लॉग एक्स की पावर माइनस वन करके भी लिखा जा सकता है, तो ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। अब वन अपॉन एक्स लॉग एक्स का क्या डेरिवेटिव होगा, अभी पीछे सिखाया वन अपॉन फंक्शन का डेरिवेटिव सिखाया ना, वन अपॉन फंक्शन का डेरिवेटिव जो सिखाया उसी के बेस पे मैं वन अपॉन एक्स लॉग एक्स का निकालूंगा। देखिए वो होगा वन अपॉन फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन फंक्शन का स्क्वायर, फंक्शन हमारा इस केस में एक्स लॉग एक्स, तो एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर हो गया माइनस वन अपॉन फंक्शन का स्क्वायर इंटू अ फंक्शन का डेरिवेटिव,
और फंक्शन क्या है, एक्स लॉग एक्स, तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से होगा, एक्स ऐसे का ऐसा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, और फिर लॉग एक्स ऐसे का ऐसा और एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक है कि नहीं? तो ये आपका आंसर आ जाएगा, एक बार आप यहाँ पर x से x काट देंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस वन बाय एक्स लॉग एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस लॉग एक्स, ठीक है? तो ये आपका आंसर है, ओके। तो कुछ सिंपल बातें अगर हमें पता है तो क्वेश्चन जो बुक्स में जिस तरीके से किया है उससे भी काफ़ी आसान तरीके से हो सकता है, उसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर देकर आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव करना है। तो साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव तो हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, और फिर अंदर जो लॉग एक्स है उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय एक्स, तो यहाँ इंटू में मुझे लिखना है 1 बाय एक्स, उसकी जगह मैं अपॉन में एक्स लिख सकता हूँ, तो ये तो हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकेंड डेरिवेटिव करने के लिए आपके पास है कॉस लॉग एक्स बाई एक्स, ठीक है, क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा इसमें। क्वेश्चन रूल कहता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसे कैसा, कॉस लॉग एक्स का डेरिवेटिव। क्या होता है कॉस लॉग एक्स का डेरिवेटिव, अगले स्टेप में लिखेंगे माइनस साइन लॉग एक्स इंटू वन बाई एक्स, या फिर माइनस साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, माइनस log x, अब ऐसे का ऐसे x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो अगले स्टेप में आप देखिए ये x ऐसे का ऐसा माइनस साइन log x, फिर log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, इतना हर स्टेप शो करने की आवश्यकता नहीं होती, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, माइनस कॉस log x, x का डेरिवेटिव 1, और अगले स्टेप में यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ log x को 1 बाई एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ x से कट गया x, और माइनस कॉस लॉग एक्स इंटू वन। आप यहीं पे एक ही स्टेप में कर सकते थे, कॉस लॉग एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स, एक्स एक्स कटता, माइनस साइन लॉग एक्स डायरेक्ट आ जाता, यही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनली आपके पास ये आंसर आ गया है, यही आपका डबल डेरिवेटिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, अब प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन आ गए बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में देखे जाते हैं, एग्जाम में देखे जाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से सीखिए, कुछ अलग नहीं है, पर जब प्रूफ दैट आता है तो उस प्रूफ दैट तक पहुंचने के लिए बहुत तरीके हैं, बहुत रास्ते हैं, हम सबसे सीधा वाला रास्ता देखेंगे, सबसे शॉर्ट मेथड। तो फाइव कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स है वाई इक्वल टू, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है और साइन का कॉस होता है, तो यहाँ आएगा माइनस फाइव साइन एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स, है ना, माइनस फाइव साइन एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स, दोनों में नेगेटिव कॉमन लिया, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स टू, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, करेक्ट, तो आप देख सकते हैं साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, सीधा इस स्टेप पे देखिए यहाँ पे कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ठीक है, बाहर नेगेटिव तो है ही। अब उस बाहर वाले नेगेटिव को आप चाहे तो अंदर भेज दीजिए, चाहे ऐसे ही रहने दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ है फाइव कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स, समझ गए ना, साइन का कॉस हो गया, कॉस का माइनस साइन हो गया, माइनस थ्री साइन एक्स, फाइव कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स, फाइव कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स तो हमारा वाई था, तो हम इसकी जगह लिख देंगे नेगेटिव वाई, नेगेटिव है ही और इसकी वैल्यू वाई, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू बराबर है नेगेटिव वाई के, तो जब नेगेटिव वाई को लेफ्ट में लाया जाएगा तो प्लस वाई बन जाएगा, तो आ गया आपके पास ये, हैंस प्रूव्ड, आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन कहता है y बराबर है cos इनवर्स x के, आप डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू निकाल के दिखाइए इन टर्म्स ऑफ y अलोन, y की टर्म में ही पूरा आंसर लाना है। तो ये ऐसा है बेटे कि करिए तो आप सिंपली जैसे करते हैं सॉल्व वैसे करिए, पर आप शुरू में ही देख लीजिए कि cos इनवर्स x अगर y है तो x कितना होगा, ये कि नहीं, तो जब आपका फाइनल आंसर आएगा तो उसमें जहां जहां x हो वहां cos y लिख दीजिएगा, तो आपका आंसर पूरा y के टर्म्स में आ जाएगा, बस ये है और कुछ नहीं। अब देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव देख रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स इज माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है,
इस टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस, ये माइनस साइन, वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, ठीक है। डिफरेंशिएट करते हैं, पावर आगे, यहाँ पे बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन किया हुआ है, पावर आगे, एक पावर कम, माइनस हाफ में एक कम करेंगे तो माइनस थ्री बाय टू इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, ऑब्वियसली वन का डेरिवेटिव जीरो, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए माइनस टू एक्स हो गया, और ये जो पावर माइनस थ्री बाय टू है, माइनस है ना, तो यानी कि ये जाएगा अपॉन में, ठीक है। तो अपॉन में जाएगा, ये चला गया अपॉन में, मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ आपको, माइनस हाफ इंटू वन अपॉन, क्योंकि नेगेटिव पावर है तो नीचे जाएगी, और पावर हो जाएगी थ्री बाय टू। अब थ्री बाय टू में जो हाफ पावर है वो तो हम ऐसे लगा सकते हैं, ये हो गई हाफ पावर, और जो रही पावर थ्री की बात, तो पावर थ्री आप यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आपने लिख दी पावर थ्री बाय टू, ठीक है। और ऊपर वन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो हो जाएगा माइनस टू एक्स। अब यहां तक समझ आ गया, टू से टू, नेगेटिव से नेगेटिव काट के आंसर आएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब, ठीक है जी। टू से टू कट जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब, अच्छा एक्स भी है तो एक्स भी आएगा न्यूमरेटर में। ये हो गया आपका डबल डेरिवेटिव। अब जैसा मैंने कहा था, एक्स की जगह कॉस वाई पुट कर देंगे, तो ऊपर भी कॉस वाई, इधर भी कॉस वाई, देखिए माइनस कॉस वाई अपॉन अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर वाई का क्यूब, और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसकी जगह साइन स्क्वायर वाई आ गया, साइन स्क्वायर रूट के बाहर आकर साइन बन जाएगा और उसका क्यूब, सही है कि नहीं, तो साइन क्यूब, फिर से देखिए साइन स्क्वायर रूट के बाहर आकर साइन बन जाएगा और उसका क्यूब, तो रह गया साइन क्यूब। अब कॉस के नीचे तीन बार साइन लिखोगे तो एक साइन तो कॉस बाय साइन कॉट बना देगा, और जो बाकी के जो दो साइन है ये साइन स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है, जिसको ऊपर ले जाके कॉस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो कॉट एक्स कॉट वाई, वाई के टर्म में कॉट वाई कॉस एक्स स्क्वायर वाई, बाहर नेगेटिव, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, आई होप क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, प्रूफ करके दिखाइए एक्स स्क्वायर वाई टू। अच्छा ये भी एक मेथड है डबल डेरिवेटिव लिखने का, जैसे मैंने बताया था कि ये डबल डेरिवेटिव होता है, इसी तरीके से नीचे यहाँ वाई टू लिखने से वो डबल डेरिवेटिव है, और वाई वन लिखने से वो सिंगल डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो ये सिंबल है लिखने के, कि बार बार ना लिखनी पड़े इतनी बड़ी चीज़। थ्री कॉस लॉग एक्स प्लस फोर साइन लॉग एक्स वाई की वैल्यू है, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहली बात, हमने डिफरेंशिएट किया, और बड़ा सिंपल है डिफरेंशिएशन, थ्री ऐसे का ऐसा, ठीक है। डायरेक्ट स्टेप पे आइए, बीच में मत देखिए, थ्री ऐसे का ऐसा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स, तो अपॉन में एक्स भी है। सो थ्री कॉस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ, माइनस थ्री साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब बात करते हैं इसकी, फोर साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव कॉस लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स, ठीक है, ये भी हो गया। दोनों के डिनोमिनेटर में एक्स है, नेगेटिव थ्री साइन लॉग एक्स लिखा हुआ है, फोर कॉस लॉग एक्स लिखा है, डिवाइड में एक्स है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस डिवाइड वाले एक्स को उठाऊंगा और वाई वन के पास भेज दूंगा, तो इससे एक्स इंटू वाई वन बन जाएगा, और राइट में फोर कॉस लॉग एक्स ऐसे का ऐसा, माइनस थ्री साइन लॉग एक्स ऐसे का ऐसे, ठीक है। अब मैं इसको एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में जो एक्स इंटू वाई वन आपको दिख रहा है, इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो एक्स ऐसे का ऐसा, वाई वन का डेरिवेटिव वाई टू, वाई वन मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू, जिसका सिंबल है वाई टू, ठीक है। एक्स ऐसे का ऐसा, वाई वन का डेरिवेटिव वाई टू, प्लस वाई वन ऐसे का ऐसा और एक्स का डेरिवेटिव वन, वो लिखा नहीं है हमने। इधर डेरिवेटिव करते हैं, फोर ऐसे का ऐसा, कॉस लॉग एक्स का डेरिवेटिव अभी देखा है, फिर से देख रहे हैं कॉस लॉग एक्स का, कॉस का होता है माइनस साइन लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स, कॉस लॉग एक्स का माइनस साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स, तो ये अपॉन में एक्स आ गया। ऐसे साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव कॉस लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स, और अपॉन का एक्स उठाया, कॉमन तो है ही, उधर भेज दिया, तो इधर एक्स मल्टीप्लाई होगा, समझ में आया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर एक्स मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म में तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई टू,
इधर x मल्टीप्लाई होगा तो वाई वन एक्स, और जो ये आपके पास लेफ्ट में जितना भी कुछ है इसमें आप अगर नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 4 साइन लॉग एक्स प्लस 3 कॉस लॉग एक्स, 4 साइन लॉग एक्स प्लस 3 कॉस लॉग एक्स, 4 साइन लॉग एक्स प्लस 3 कॉस लॉग एक्स, यही तो y था, तो ये पूरी चीज़ हो जाएगी y, तो माइनस वाई, और माइनस वाई को भेजोगे लेफ्ट में तो बन जाएगा प्लस वाई, और ये पूरा का पूरा आ जाएगा, समझ गए। अगर दिक्कत हुई तो फिर से एक बार देखिएगा, इस क्वेश्चन में अचानक से टर्निंग पॉइंट आता है यहाँ से, जब इस x को उधर भेजते हैं डिनोमिनेटर को, x y1 हो जाता है, और फिर दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ प्रोडक्ट लगाते हैं, x एज इट इज़ y1 का डेरिवेटिव, y1 एज इट इज़ x का डेरिवेटिव, क्वेश्चन तुरंत हो जाता है। तो डिनोमिनेटर को हमेशा आप LHS में भेजिए, आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजिली और बहुत ही जल्दी होगा, वरना अगर इसे राइट में रख के क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो फिर बड़ा लंबा टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व होने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बेटे, y बराबर है ए ई एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स, तो देखिए ए ऐसे का ऐसा, और e की पावर में अगर कोई भी ए एक्स है तो उसका डेरिवेटिव होता है e की पावर ए एक्स इंटू ए। वैसे तो इसका हमने फार्मूला बताया, e की पावर फंक्शन का डेरिवेटिव होता है e की पावर फंक्शन इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, वो हमने सिखा रखा है आपको, पर अगर कभी सिंपल आपको e की पावर ए एक्स मिल जाए तो e की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है e की पावर एक्स इंटू ए, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन ए एक्स है उसका डेरिवेटिव ए ही होगा, तो इन शॉर्ट हम ऐसा कह देते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा लंबी इसमें कहानियाँ सीखने की ज़रूरत नहीं है कि स्टेप 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 कर रहे हैं, सीधी बात है, ए ई एम एक्स है तो कैपिटल ए ऐसे का ऐसा, और ई एम एक्स का डेरिवेटिव होगा ई एम एक्स इंटू एम डायरेक्ट, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसे ही बी ऐसे का ऐसा, और ई एन एक्स का डेरिवेटिव होगा ई एन एक्स इंटू एन, तो ये देखिए ई एन एक्स इंटू एन, ये हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकेंड डेरिवेटिव करने गए तो ए एम ऐसे का ऐसा, और ई एन एक्स का डेरिवेटिव होगा ई एन एक्स, ई एम एक्स का डेरिवेटिव होगा सॉरी ई एम एक्स इंटू एम, तो फिर से एक और एम आ जाएगा, वो एम और ये एम मिलके बन जाएंगे एम स्क्वायर, समझ आया। ए एम कॉन्स्टेंट है, ई एम एक्स का ई एम एक्स इंटू एम, एम इंटू एम एम स्क्वायर, ऐसे ही ई एन एक्स का होगा ई एन एक्स इंटू एन, और बी एन ऐसे कैसे, तो एक और एन आएगा एन इंटू एन एन स्क्वायर बी एन स्क्वायर ई एन एक्स, क्लियर, ठीक है जी। आपको ये दिखाना है क्वेश्चन में, ऊपर थोड़ा क्वेश्चन मिट गया था, क्वेश्चन ये दिखाना है कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल है जीरो के। तो देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स टू तो अभी अभी हमने निकाला है पिछले स्टेप में, ए एम स्क्वायर ई एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिर माइनस एम प्लस एन क्वेश्चन में गिवन है, डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाला ए एम ई एम एक्स प्लस बी एन ई एन एक्स, देख सकते हैं एक बार दिखा देते हैं आपको सिंगल डेरिवेटिव, ये रहा ए एम ई एम एक्स प्लस बी एन ई एन एक्स, और फिर प्लस एम एन क्वेश्चन में ही गिवन है, ये भी एम एन, और वाई की वैल्यू पुट कर देनी है, बस आप सिंप्लीफाई करना है, माइनस एम इंटू ए एम ई एम एक्स, तो एम इससे मल्टीप्लाई होगा तो एम स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए माइनस ए एम स्क्वायर ई एम एक्स, फिर माइनस एन इंटू बी एन ई एन एक्स, तो बी एन स्क्वायर ई एन एक्स आ जाएगा, ठीक है, ये रहा। ऐसे ही माइनस एम इंटू बी एन ई एन एक्स, माइनस एम इंटू बी एन ई एन एक्स, तो माइनस बी एम एन ई एन एक्स आ जाएगा, और ऐसे ही एन इंटू माइनस एन इंटू ए एम ई एम एक्स, तो माइनस ए एम एन ई एम एक्स आ जाएगा, फिर ये एम एन इंटू ए ई एम एक्स ये आ गया, और एम एन इंटू बी ई एन एक्स बी एम एन ई एन एक्स आ जाएगा, ये तो एज इट इज है। अब देखिए ये कटेगा इससे, ये कटेगा इससे, और ए एम एन ये इससे, और ये इससे, सब कट के जीरो ही आ जाएगा, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है बेटे, इजी क्वेश्चन है। आगे इसी लॉजिक पे क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं, तो कहता है कि डबल डेरिवेटिव 49y के बराबर है, प्रूफ करो। तो मैं इसका डेरिवेटिव करना चाहता हूँ, ई सेवन एक्स का डेरिवेटिव होगा ई सेवन एक्स इंटू सेवन, वही ई एक्स इंटू ए, ठीक है, तो 7 आ जाएगा यहाँ पर, 7 इंटू 500 हो जाएगा 3500, सीधा यहाँ पे देखिए। ऐसे इसका होगा ई माइनस सेवन एक्स इंटू माइनस सेवन, माइनस सेवन इंटू 600 करना पड़ेगा, माइनस 4200, और ई माइनस सेवन एक्स एज इट इज़,
सीधा आप इस स्टेप पे आ सकते हैं। ठीक है, आगे सिंगल डेरिवेटिव हो गया, अब डबल डेरिवेटिव की बारी। फिर से ई सेवन एक्स का डेरिवेटिव होगा, फिर से सेवन आ जाएगा आएगा, तो 3500 इंटू ई सेवन एक्स इंटू सेवन सीधा इस स्टेप पे आ सकते हैं। चाहे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे तो कॉमन ले लीजिएगा बाद में, वो आपकी मर्जी। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर भी माइनस 4200 ई माइनस सेवन एक्स का होगा, ई माइनस सेवन एक्स इंटू माइनस सेवन, और फिर वो माइनस सेवन माइनस 4200 से इंटू होगा, माइनस सेवन माइनस 4200 से इंटू होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अभी आपको पता ही हमें कॉमन लेना 49, क्वेश्चन में ही है 49 आना है। तो देखिए ये 7 तो है ही, इस 35 में से भी 7 ले लेंगे तो 5 बचेगा, 7 5 0, इस 42 में से 7 ले लेंगे तो बचेगा 6। ठीक है, तो 49 यहाँ से कॉमन, 49 यहाँ से कॉमन ले लीजिए बाहर, तो अंदर बच गया 500 ई सेवन एक्स 600 ई माइनस सेवन एक्स। वो पहले ही हमें मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए था, तो किया था ना 7 5 0 35, उसको ऐसे ही रहने देते तो ठीक था, पर एनी हाउ आंसर तो आना ही है। 49 कॉमन लिया, जो अंदर बचा ये हमारा ओरिजिनल वाई के ही बराबर है, तो ये हमारा 49y आ गया। ठीक है, देखिए वाई के बराबर है, 500 ई सेवन एक्स प्लस 600 ई माइनस सेवन एक्स, बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है ई वाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, शो कीजिए डबल डेरिवेटिव बराबर है डी वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर के। सबसे पहला काम आप ये करिए कि ई वाई को यहीं रहने दीजिए और एक्स प्लस 1 को ले जाइए अपॉन में, तो ई वाई हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, वाई वाली टर्म लेफ्ट में, एक्स वाली टर्म्स राइट में और कॉन्स्टेंट राइट में। अब यहाँ से जो ये ई है, इस ई को राइट साइड में भेजिए। अब आप कहेंगे ये क्या हो गया, ऐसे कैसे भेज देंगे भाई, देखिए अभी तक तो 11 तक तो साइन कॉस को भी नहीं भेज पा रहे थे राइट साइड में, पर जब साइन राइट साइड में जाने लगा तो क्या कहलाने लगा, साइन इनवर्स हुआ कि नहीं हुआ। जब साइन एक्स बराबर वाई है, दसवीं में ट्रिगो पड़ी, ग्यारहवीं में ट्रिगो पड़ी, टीचर भी चुपचाप बैठे हुए थे, कुछ सीक्रेट्स नहीं बता रहे थे, कहीं पर भी नहीं लिखा था, पर एंड ऑफ द डे जब 12th में आए तो फिर साइन को उधर भेजना सीखा, एक्स यहीं रहेगा जी, साइन उधर चला जाएगा, उसको नाम दे दिया हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरीके से ये साइन इनवर्स वाई, इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है लॉग, तो जब आप वाई को यहाँ छोड़कर सिर्फ ई ई उधर भेजेंगे तो बचेगा, बनेगा ई इनवर्स, एंड ई इनवर्स इज लॉग, पिछले वीडियो में भी बताया, तो लॉग आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये याद रखिएगा, आगे वाई बराबर आ गया लॉग 1 अपॉन एक्स प्लस 1। डिफ्रेंशिएट करते हैं, लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन फंक्शन, 1 अपॉन फंक्शन यानी 1 अपॉन x प्लस 1, 1 अपॉन x प्लस 1, तो x प्लस 1 ही हो जाएगा, है कि नहीं, तो ये x प्लस 1 को हम ऊपर लिख सकते हैं एक्चुअली, इसलिए ये ऊपर आपको x प्लस 1 दिख रहा है। तो लॉग फंक्शन 1 अपॉन फंक्शन इंटू इस फंक्शन का डेरिवेटिव, 1 अपॉन x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले हम फार्मूला देख चुके हैं इसके लिए, 1 अपॉन फंक्शन का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन फंक्शन स्क्वायर इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 अपॉन फंक्शन का स्क्वायर, फंक्शन है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव जो 1 ही है, तो डेरिवेटिव यही आ गया। फिर से बता देते हैं, लॉग फंक्शन का 1 अपॉन फंक्शन जो कि हो गया एक्स प्लस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव जो हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर। अब यहाँ एक्स प्लस 1 से x प्लस 1 कटेगा तो माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब बात करते हैं सेकंड डेरिवेटिव की, सेकंड डेरिवेटिव यानी इसी का डेरिवेटिव करना है। अब इसमें क्या नई बात है, माइनस एज इट इज और 1 अपॉन x प्लस 1 का, अभी तो देखा था 1 अपॉन x प्लस 1 का ये होता है, बाहर नेगेटिव है, 1 अपॉन x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या देखा था अभी क्या होता है, वो होता है 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर। अब दोबारा दोबारा बताना थोड़ी है एक ही चीज़, वो भी एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक्चुअली ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। तो क्या डबल डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है, देख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर करोगे तो यही आएगा, तो यही हमको इसमें प्रूफ करना था कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा है,
तो ये हमने शो कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। थक गए होंगे इतने सारा देख देख के, पर लास्ट क्वेश्चन है। ओके, वाई है टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, ये चीज शो करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन साइन इनवर्स की फॉर्म में भी है। तो वाई बराबर है टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन किया तो डेरिवेटिव हुआ पावर आगे एक पावर कम, टू आगे एक पावर कम, तो टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो बचा टू टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। पावर आगे एक पावर कम, पावर छोड़ के अंदर वाले का डेरिवेटिव, टू टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन इनवर्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। जैसा मैंने कहा था, इस डिनोमिनेटर को इधर भेज दो, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर चला गया लेफ्ट में, वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन राइट में, टू टेन इनवर्स एक्स। अभी ये प्रूफ करना है, तो एक और बार डेरिवेटिव करेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई वन का डेरिवेटिव वाई टू। अब पूछना नहीं क्यों, पहले भी बताया है, y1 वन डी वाई बाई डी एक्स है, वाई टू डी टू वाई बाई डी एक्स टू है। वाई वन का डेरिवेटिव वाई टू प्लस वाई वन ऐसे का ऐसे, और वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वन का जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स। ठीक है, आगे प्रोडक्ट रूल, टू ऐसे का ऐसा, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। लास्ट स्टेप, अपॉन का जो वन प्लस एक्स स्क्वायर है इसको राइट में भेजेंगे, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, वाई टू टू एक्स वाई वन में भी वाई प्लस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स वाई वन में भी वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू टू। प्रूव हुआ क्या, 100%। तो इसी के साथ ये वीडियो फिनिश होता है, आपने इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।